को तो रेडी कर दिया बाहर जाने के लिए। गुड्डू इज गोइंग टुडे। तुझे याद आएगी इसकी? इससे याद आएगी मेरी? ये तो इसे ये क्या सवाल था? ये क्या सवाल था भाई? इसे हमारी याद नहीं आती। बस पोती दूध दही चीज चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए। अब उन पीता है, पोती करता है और सोता है। वैसे सो नहीं रही थी, अब घुमाने ले जा रहे हैं तो उसकी सुला रहा था, सो नहीं रही थी। ये देखो रो रही है वो, तू जा रही है तो नहीं रोते। गुड्डू जा रही है, दीपक को टेंशन हो गई है। गुड्डू ने बहुत संभाल लिया था इतने देर पर ऑफिस। मैं तो जा रही हूँ, अब तुम लील में आ जाना ठीक है? एक्चुअली ये बहुत खुश रहती थी तो ये इसके पास। मैं तो गुड्डू का नाम भी रख दी, गुड्डू निन्नी। सो जा सुला देती, निन्नी करा देती है। तो निन्नी रख दिया आपका नाम बेटा, आप जाओ। छोड़ी छोड़ी छोड़ी, करंट लग गया, करंट लग गया मुझसे। लिल इज अ लुल जगह। अप्पू सिंह रख दिया है क्या? हाँ। सीरियल में अप्पू सिंह आता था एक। हाँ, इसका उसके ऊपर है। ओ दादा क्या फन होती है, चिरौंजी पता नहीं क्या चिरौंजी। बैक टू आवर चैनल, और आज हम इसको कहीं लेके जा रहे हैं और आज टेस्ट करेंगे कि ये सही रहती है या नहीं। हमारे एक फ्रेंड्स हैं, मतलब कपल फ्रेंड है, जो जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, आप शौक हो जाओगे, वाह लोग आने के लिए इतना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आज तारा हिमानी और आकाश से मिलने जा रही है। क्यों मोतू बेबी? हाँ, और आपकी मामा ने आपको भालू भालू बना दिया। हेलो, चले रोगी तो नहीं? हाँ, स्वेट शर्ट इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने साइज की भी मंगा ली। दीपक जैसे है ये, मेरे साइज की तो है। दीपक की पहन ली। कह रही है क्या कर रहे हो गंदे लोग, मैं आराम से चिल मार रही थी। आपके हाथ डाले की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों से मिलवाने मुझे क्यों लेके जा रहे हो? जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के घर आपको मिलवाने के लिए। हाँ, एक्साइटेड हो आप? वो लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको बोलो यस मामा। बहुत दिन बाद हॉस्पिटल और इसके अलावा इतनी दूर आए हैं हम लोग। हैं मैं आई हूँ, मतलब दीपक तो ऑफकोर्स ऑफिस जा रहा है। ये देखो यहाँ ऐसे बेबी सीट पे, गोदी में नहीं ले जा सकते ना दीपक? ले जाओ, कोई देखता नहीं, पर हाँ ले जाना, अलाउड नहीं है ना। हाँ ऐसे क्यों, दीपक से दीपक की बॉडी बन जाएगी इसको कैरी कर करके। दीपक जिम तो नहीं जा पा रहा, खा के कद्दू हुए जा रहा है। कद्दू से दीपक कद्दू याद आ गया यार, कद्दू खाना था, कद्दू लेके आएंगे। हाँ कद्दू लाना। सो रही है तो हिमानी आकाश मिल रहा है भाई। तारा ये लोग छोड़ के जा रहे हैं जर्मनी, देख लो तुम्हारे साथ। अब ये हमें इंडिया में गोवा में मिलेंगे। किसको तो हिमानी का तो कोई नॉर्थ गर्दन पे सपोर्ट करना है। होली खेल रहे हैं, तुम सो जाओ अब। बाद में बोलेगी मुझे अपने फ्रेंड्स के यहाँ लेके जाते थे और सुला देते थे। लगना मत, यहाँ बैठो, इधर लेटो नीचे। भाई साहब हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी। हिमानी को थोड़ा ही लगा होली सुन। हैप्पी होली, हैप्पी होली दीपक, ये देखो कितना लगा। थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा। ये फाइनली तारा हिमानी की गोद में आ गई है और रो भी नहीं रही है।
पर ऐसा कुछ नहीं है दीपक, इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो पता है फीड का क्या है और इसका। मम्मी से मुझे बताओ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। ये मेरी भी फोटो ही नहीं है, 3 साल के नीचे है कि मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूं। किसी के नहीं, सब अडॉप्टेड हूं। उसके लिए मैं बैक हूं। और ये देखो पूरे रास्ते देखती हुई आई और अब आके सो गई। इसने तो हाथ साथ दे दिया दीपक। क्यों नहीं रोई हम लोग काफी, कितने दिन सुरभि पे गई है क्यों? और हमें थोड़ा होली भी खेल लिया इसलिए कलर्स देख रहे हैं। घूमने के लिए बड़ी मजे। चलो मेरा एक चीज सॉर्ट हो गई अगर ये ऐसी है मेरे जैसी तो। तो दीपक अभी मैं सुपरमार्केट गई थी ना सामान लेने, इसको बंद कर, ये ऐसे ही सोती है, लोग सूसू करते हैं सोती है। हाँ तो वहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ था जो यहाँ के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए आप कुछ भी सामान दे दो, तो लोग खरीद खरीद के दे के जा रहे हैं, इतना इतना सामान उनका पूरा पूरा भर गया। ऑयल, कुछ लोग ऑयल दे रहे हैं, कुछ लोग पास्ता दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये, मतलब यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं जब बाहर आई फिर मैंने पढ़ा, मुझे लगा पता नहीं कुछ बेच रहे हैं, पर अब अपन जाएंगे तो अपन भी कुछ चीज़ दे देंगे। पर ये कितनी अच्छी बात है ना, अपने यहाँ तो ऐसे अब मतलब बचा कुचा दे देते हैं पर यहाँ पर नया भी करते हैं बहुत, पर ऐसे ऐसे नहीं, मतलब यहाँ हर एक इंडिविजुअल दे रहा है, जो लोग करते हैं वो करते हैं। पहली बार ही देखा है ना? हाँ पहली बार देखा है, तो दो लोग लगे हुए हैं वहाँ पर मस्त अच्छे से वो ले रहे हैं सामान पूरा अपने उसमें, और वो एक बोर्ड लगा रखा है बस उससे लोग देख रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कोई कुछ नहीं कर रहा, बस उसको देख रहे हैं लोग अपनी इच्छा से ले। सही जगह लगाया। और एक और बात, मैं ना वो बॉटल्स डालने गई थी फांड में, जो फांड होता है उसमें, तो मैं वीडियो ले रही थी, मुझे कुछ रील बनाना था उसके लिए, तो एक जर्मन बंदा, जर्मनी होगा, तो कहता इज इट अ टिकटॉक चैलेंज, मतलब जर्मन में उसने बोला। मैंने बोला नहीं टिकटॉक चैलेंज नहीं है। मतलब इनको मतलब वीडियो लेना इतना स्ट्रेंज लगता है कि उसने जैसे उसने देखा पहले तो वो रुक गया जबकि एक मशीन खाली थी और देख रहा है, फिर कहता है इज इट अ टिकटॉक चैलेंज। मतलब अगर आप टिकटॉक चैलेंज सही है। हाँ मतलब यार टिकटॉक ही सबसे फेमस है ना, इसलिए लोग हमारा टिकटॉक ये है, टिकटॉक चैलेंज है हमारा ये। अब सब्जी आ गई, अब मैं खाना बनाती हूँ। दीपक दिख ही नहीं रहा है, ये दिख ही नहीं रही है, इतनी छोटी सी लग रही है। तो मैं इतना मोटा हूँ क्या? और आज मेरा आईफोन आया। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a... अगर आज नहीं आया ना दोस्तों तो बस तो ऐसा फेंक देना, मैं सच में फेंक दूंगी। आज फिर घूमने जा रहे हैं, फोन आज आना था पर अभी सकता अगर चले गए तो थोड़ा गड़त ज्यादा लगा रहे हैं, चश्मा लगाते थे, चश्मा लगा लो, आंखें बंद हो रही है। अभी फिर से वीडियो बनाएंगे तो लोग बोलेंगे टिकटॉक चैलेंज है क्या, सब चुपड़ी वीडियो बनाते हैं टिकटॉक ही समझते हैं। हां बढ़िया दीपक, तुम ब्लूबेरीज ले आओ, मैं ले आऊंगा ना जब व्लॉग शूट आएंगे। खा लेते हैं, अच्छी ठंडी हवा चल रही है पर बढ़िया धूप है, और आज यहाँ होली सेलिब्रेशन भी हो रहा है। ये लोग भी गए क्या? मैं इसकी बात कर रही थी, देखो डॉगी को बाहर बैठा रखा है, कितनी शोर शराबा है। मैं अंदर ही आ गई क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। सरप्राइज लेके आए हो? हाँ मैं लाया हूँ। ये यहाँ के लोगों के लिए ले रहे हैं। इतना तो इंडिया में नहीं करते यार, जिनको जरूरत है उनके लिए है ये दीपक। काफी सभी लोग दे के जा रहे हैं, पता मैक्सिमम लोग लेकर जा रहे हैं। हाँ मुझे दीपक बैग ले जाना भी कहीं पर इतना कलेश लगता था, अब पूरा ही बेबी को लेके हर जगह।
चलो घर चलें, मतलब घर की तरफ चलें। उस तरफ से जब आए थे तब नहीं था, बहुत तेज ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है। धूप सेक लेंगे। अब नया फोन आ जाएगा ना तो और अच्छे वीडियोस आया करेंगे। जैसे ये हमारी कौन सी भाषा होती है एमपी की, कौन सी होती है, बुंदेलखंडी। मेरी बहन मोई बहन, मतलब वेरी गुड। तारा का ये सोने का टाइम है तो हम पूरा इसका यूज कर रहे हैं और हम लोग चले इंडियन स्टोर पे राशन लेने। दीपक वैसा अकेला चला जाता है पर आज मैं बोला मैं भी चलती हूँ, बैक टू नॉर्मल आना, टू नॉर्मल करना है। इतने दीपक यहाँ जब से जर्मनी में आए हैं कुछ ही टाइम होगा कि तुम अकेले ग्रोसरी लेने गए हो या है ना। हाँ, ये अभी के लास्ट का टाइम था। बहुत अजीब लगा होगा कुछ दिन तो, है ना। देखो दीपक एहसान दिखा रहा है मुझे। एहसान नहीं दिखा रहा, तू मुझे ताने मार रही थी, मैं उसका वो बता रहा हूँ। मेरी आँख खुली थी जब ये चिल्ला रही थी, दूध दे दे भैया, सुबह हो गई। मैंने दीपक से बोला था सैटरडे संडे जो है वो ऑफिस नहीं जाना होता, तुम संभालोगे, रात में मैं नहीं उठूंगी। तो अभी इसने कल संभाला तो देखो आज कह रहा है देगा सर भी। मैं सर भी बस तुम खुद बताओ रियलिटी में, पिछले जब से ऑफिस गया हूँ एक वीक जब से जरूर मैं रात में वो ढाई तीन वाले स्लॉट पे नहीं उठ रहा, बाकी उठता हूँ मैं। और कल तो मैं पूरी टाइम उठ गया। क्या कर रही है, झूठ है दीपक, झूठ बोलता है। दीपक नहीं उठाता, कल भी नहीं उठाता। अरे भाई साहब, तारा तुम देख रही हो ना ये ब्लॉग, बाद में देखना ठीक है। देख ले तुम। अभी जब मैंने प्राइजेस चेक करे तो सच में यार ये चार गाजर जो है वो 500 रुपए, मतलब 5.79 यूरो की आई है ये चार गाजर। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। ये बहुत कम टाइम में आती है देसी गाजर, मतलब मैं तो बहुत कम टाइम देखा है, स्पेसिफिक टू इंडियन स्टोर पे ही मिलती है। बताओ दीपक, पर देसी गाजर के साथ हलवा खाने का मजा कुछ अलग ही है। अलग ही मजा आता है। और दीपक तैयारी कर रहा है क्योंकि हम बताते हैं हम बना भी क्यों पा रहे हैं ऐसे वियर्ड टाइम पे गाजर का हलवा, क्योंकि बहुत आसान है। रुको दीपक तैयारी कर रहा है, मैं बताती हूँ। ये देखो इसमें बस मस्त तो यहाँ पर एकदम अच्छी सी आई है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाल धोना पड़ेगा। और किस लिए आया मैंने थोड़ा सा, और फिर ये इसमें किस जाएगा, सही लगा है ना। ठीक है तुरंत, और फिर तो माशाल्लाह सही लगाया क्योंकि जल्दी बनाया था ना। हाँ हाँ अच्छा, हाँ वो ऑरेंज गाजर के साथ बनाया था, आज देसी गाजर के साथ बनेगा। और टिंडे दिख रहे हो आपके, टिंडे भी लाए हम लोग आज, अंडे पिंडे टिंडे पुंडे। और बेबी अंदर सो रही है इसलिए हम यहाँ पर मटर गश्ती कर पा रहे। किसी भी वक्त उठती होगी। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब्जी बन रही है, आउटपुट दिखाओ आउटपुट। वैसे हम एक दो ब्लॉग में दिखा चुके हैं आउटपुट, बट दिस मशीन है करेंगे टाइम सेवर। गलत वाला वाला लगा दिया, इंसान कुछ भी नहीं करता। मैंने वे सही लगा रहा नहीं, क्योंकि मैंने इस पर रखा है। क्यों रखा है इसमें रखा है फिर दीपक, वो अंदर नहीं रखा। ये इससे पता चलता है मुझे, जो किसनी होती है ना वो इस शेप की होती है, तो उससे पता चलता है कि ये ही गाजर। ये तो मैं ढूंढ रहा था। समझ जाओ दोस्तों, सफेद झूठ क्या होता है वो ये सुन लो, देख लो रिकॉर्डेड है सब कुछ। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में हमारे साथ गाजर किस लिए, दीपक का एक काम बहुत सही है,
तुरंत सामान रखाता है अपनी जगह पर और मेरा एकदम अपोजिट उसका। अब तो मैं बहुत सुधर गई हूँ, तुरंत जहाँ से उठाया ना वो वहीं रखा जाएगा। वेरी गुड। देखो कोई गाजर का हलवा एक्चुअली क्विकली बन गया दीपक इसमें। हमने जल्दी से सर्च करा था, कौन ने बताया था, कौन सा चैनल था पता नहीं, यूट्यूब पे सर्च कुकर में जल्दी के से बना है। एंड दिस इज रेडी, आपका फेवरेट। एंड ये थोड़ी सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि दीपक कह रहा है कि मैं अभी तुरंत खत्म कर दूंगा।